या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। आज हम जिस शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं, आज हम आपको इनसे कनेक्ट करेंगे और प्रोबेबली आई गोट मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम योर साइड टू गेट योर क्वेरी सॉर्टेड आउट बाय दिस पर्सनैलिटी, एंड दिस पर्सनैलिटी is working hard day and night for the empowerment of the disabled person. Therefore, we decided to invite him on the occasion of World Disability Day, and he gonna speak to us and he gonna sort out many queries which we have. So ladies and gentlemen, please welcome Mr. Avneesh Kumar Awasthi ji. He is a Joint Secretary, Department of Person with Disability, Ministry of Social Justice and Empowerment. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दानिश, नमस्कार ऑल लिसनर्स को। मैं अवनीश अवस्थी, संयुक्त सचिव विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से हूं, और मुझे बहुत खुशी है कि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के अवसर पर मैं आप लोगों से वार्ता कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं, और यदि आप लोगों के प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर भी देने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। हमारा विभाग विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग 2012 में बना है, अब ये 2015 चल रहा है, तो 3 साल की इसकी उम्र है, छोटा है, लेकिन हर संभव प्रयास कर रहा है कि विकलांगजनों के लिए जो हो सकता है वो हम करें। जी अवस्थी सर, सबसे पहले ये सवाल है कि लिसनर्स जानना चाहते हैं कि जब आपने एग्जाम क्लियर किए, जब आप आईएएस बने, जब इससे पहले जब आपका बचपन था, क्या कभी आपने जिंदगी में सोचा था कि आप यू हैव टू सर्व द डिसेबल कम्युनिटी? इंसिडेंटली जब मैं इस एग्जाम में मैं पास हुआ वर्ष 87 में, मैं आईआईटी कानपुर का स्टूडेंट था, तो उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी और लोगों में उतनी जानकारी नहीं थी कि विकलांगजनों के लिए, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनके लिए कैसे कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ स्कूल में हमारा एक साथी जो है वो जो है विकलांग जरूर था, लेकिन बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था, और हम लोगों के स्कूल में उससे हमारी प्रतिस्पर्धा थी पढ़ाई लिखाई में। तो हम लोग के साथ में बच्चे पढ़े हैं, कॉलेज में भी बच्चे पढ़े हैं, लेकिन जो अंतिम प्रश्न आपने पूछा कि क्या विकलांगजनों के लिए मैं काम करने के लिए मैंने पहले सोचा था, तो मैं ये बता सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जब हम लोगों ने काम किया एज कलेक्टर, तो विकलांगजनों के बीच में भी बहुत सारे काम किए हैं, और हम लोगों ने कई ब्लाइंड स्कूल्स, कई जो है हियरिंग इम्पेयर्ड स्कूल्स, और कई जो है विकलांग छात्र जो स्कूलों में रहे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं सहयोग दिया है और काम भी किया है। जी बिल्कुल सर, आपका काम बोलता है, तो सारे बहुत सारे विकलांग आपको जानते हैं, और मुझे लगता है कि आपके काम ने तो लोगों का दिल जीता, आपकी नेचर ने बहुत सारे लोगों का दिल जीता है, तो यू आर ऑलवेज ओपन टू स्पीक टू एवरीवन। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर इस साल में हम उपलब्धियों की बात करें, तो विकलांगता डिपार्टमेंट ने आपको क्या लगता है जो सबसे बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की है? देखिए, विकलांगता विभाग जो है, पहले विकलांगजनों के लिए एडिप के स्कीम से जो एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस, व्हीलचेयर्स, ट्राइसिकल्स और जो बाकी सामग्री बांट रहा था, वो उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाता था। अब सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि विकलांगजन विभाग ने लगभग 84 बड़े कैंप और लगभग 500 से ज्यादा छोटे बड़े कैंप जो है पूरे देश में किए हैं। ये कैंप ऐसे हैं जो हमने दिल्ली में किया है, ये कैंप ऐसे हैं जो हमने प्रदेश के हेडक्वार्टर्स में किया है, ये कैंप ऐसे हैं हमने नॉर्थ ईस्ट में किया है, ये कैंप हम स्थानीय जो सांसद और माननीय विधायकगण हैं उनके सहयोग से किया है, और कई जगह तो माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ किया है। तो एक तरफ तो ये एडवांटेज इन कैंप्स के माध्यम से ये मिलता है कि हमारी आंख के सामने विकलांगजनों को बिना किसी कठिनाई के सामग्री प्राप्त हो रही है, दूसरा एक जगह कैंप करने से, प्रेस और मीडिया के आने से, पॉलिटिकल लोगों के आने से, जो हमारे नेतागण हैं उनके आने से प्रचार प्रसार भी बढ़ा है। आपको जानकर ये खुशी होगी कि लगभग 84-85 जगह जहाँ कैंप हमने माननीय सांसदों के साथ पूरे देश में किया है, 154 और सांसदों ने जो है विकलांगजनों की सहायता के लिए कैंप की मांग हम लोगों से की है, और अब हमारे पास जो है इसकी ओर मेहनत करके प्रयास करना है। दूसरा, एडिप में ये भी साथ साथ हम लोग कर रहे हैं कि नए एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस दे रहे हैं हम लोग,
जो है काफी संख्या में अब हम लोगों ने जो हमारे ब्लाइंड छात्र हैं उनको हम लोगों ने स्मार्टफोन्स दिए हैं, कई जो है लोग बच्चों को डेजी प्लेयर्स दिया है, हम लोगों ने स्मार्ट केन जो है आईआईटी दिल्ली ने जो डेवलप की है उसको भारी संख्या में अब उसका वितरण हम सुनिश्चित कर रहे हैं, और साथ साथ हियरिंग इम्पेयरमेंट में हम लोग डिजिटल हियरिंग एड दे रहे हैं, और एडिप में एक नई स्कीम जो कॉकलियर इम्प्लांट्स की है वो भी लगभग 280-285 बच्चों के लिए हम लोग ने सुनिश्चित की है। तो जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो एडिप की है। इसके साथ साथ दो या तीन बड़े कैंपेन स्किल डेवलपमेंट यानी जो हम लोग कौशल प्रशिक्षण का कैंपेन शुरू किया है, और एक नया कैंपेन 3 दिसंबर को एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन यानी सुगम्य भारत अभियान के रूप में भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे नेशनल अवार्ड्स देंगे 3 तारीख को उसके उपलक्ष पर जो है होने जा रहा है। तो विभाग की कई उपलब्धियां हैं, विभाग ने कई स्कीम्स भी अलग शुरू की है, ब्रेल प्रेस की स्कीम शुरू की है, ब्रेल प्रेस अभी तक 7 जगह हम लोग ने नई ब्रेल प्रेसेस पूरा 100% अनुदान देकर हम लोग ने शुरू किया है। ब्रेल प्रेसेस के बारे में बता दें कि एक नई ब्रेल प्रेस NIVS देहरादून में, उसका रीजनल सेंटर चेन्नई वहां पे नई ब्रेल प्रेस लग रही है, एक नई ब्रेल प्रेस सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश में लग रही है, एक राजस्थान नेत्रहीन संघ के अधीन जयपुर में नई ब्रेल प्रेस लग रही है, एक ब्रेल प्रेस हमारी मित्र ज्योति संस्था है बेंगलोर में उसके अधीन लग रही है, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और रायपुर में लग रही है गवर्नमेंट सेक्टर में, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में लग रही है, और हमारी वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में जो है वहां पर विवेकानंद संस्था है उनके माध्यम से भी नई ब्रेल प्रेस लग रही है। तो जो ब्रेल प्रेस की आवश्यकता कई जगह स्कूलों में छात्रों के लिए ब्रेल की किताबों की छपाई की है उस पे कहीं ना कहीं और सहयोग और योगदान मिलेगा, और भी आगे हम लोग नई नई ब्रेल प्रेसेस अलग अलग जगह लगाएंगे। जी अवस्थी जी, जैसे आपने एक्सेसिबल कैंपेन की बात की तो रिसेंटली एक बड़ा दुखदाई इंसिडेंट हुआ, जब रेलवे का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भरी जानी थी तो कुछ विकलांग जनों को तीसरी मंजिल पे बुलाया गया, तो और ये जो घटना हुई कई जगह पे सर्वर डाउन रहे, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में भी अवेयरनेस की कमी है? साथ साथ देखिए, जो ये इंसिडेंट की बात आप कर रहे हैं, पहले दिन जब खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में आई तो मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि अगले ही दिन रेल मंत्रालय की तरफ से और सीनियर लोगों की तरफ से उस पर क्षमा भी मांगी गई, और ये भी कहा गया कि जो लोग छूट गए हैं, जो भी जिनको कठिनाई हुई है वो अब आगे तो नहीं होगी लेकिन उनको फिर दोबारा मौका दिया जाएगा। तो निश्चय ही जब जब बहुत बड़ा जो है अभियान रेलवे चला रहा है पदों पर भरने के लिए, जो हम लोग पूरे देश में अभियान चला रहे हैं सरकारी पदों को भरने के लिए, तो जब इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो गलतियां तो होंगी, लेकिन गलतियों में ये जरूरी है कि सुधार हो जाए। हमारा विभाग इंश्योर करेगा कि सुधार हो जाए। अगर इस तरह की कहीं कठिनाइयां छोटे बड़े लेवल पर कहीं आती है तो विभाग के स्तर पर हम लोगों को भी अगर कहीं बताया जाएगा निश्चित हम लोग उस पर सुधार करके जो सुविधा होनी चाहिए वो हम लोग दिलाएंगे। ये जरूर एक घटना हुई है लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता है, हम रेल मंत्रालय को लिख भी रहे हैं इस बारे में। जी अवस्थी जी, एक क्वेश्चन मुझे काफी लोगों ने मेल करके दिया है कि जो डिसेबल लोगों की स्टैटिस्टिक्स हैं जी उसके ऊपर कोई मैच्योर लोगों को लगता है कि नहीं है, जब 2001 में सेंसस आया तो आंकड़े काफी थे, 2011 में आधे रह गए, तो वो बोलते हैं कि इसका कुछ आंकड़ों में गड़बड़ है, वो सेटिस्फाइड नहीं है हमारी डिसेबल कम्युनिटी के लोग। जी देखिए, ऐसा है जो आंकड़े 2001 में आए और 2011 में आए लगभग बराबर के आसपास है, आधे तो नहीं हुए हैं, लगभग 2.2-2.3% पहले था और लगभग 2.2-2.1% इस समय भी है ऑफ दी ओवरऑल पॉपुलेशन। ऐसा मानना कुछ एक्सपर्ट्स का है कि इससे संख्या और अधिक हो सकती है, तो जब ये बिंदु हमारे सामने आया तो हमने रजिस्ट्रार जनरल सेंसस को बताया है कि अगला सेंसस जब होगा तो डिसेबिलिटी के इश्यूज को बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करके लोगों को जो है सामने आना पड़ेगा और हमारी ट्रेनिंग भी प्रॉपरली देनी पड़ेगी जिससे आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर हो। एक चीज आपको मानना ये पड़ेगा कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में यदि हम पूछने जाते हैं या सेंसस के समय पूछते हैं कि कोई विकलांग व्यक्ति है कि नहीं, तो जो माइंडसेट अभी लोगों के बीच में है, कई लोग अंडर रिपोर्ट करते हैं, और अब जब योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, लोगों का जो है अवेयरनेस आ रही है, तो निश्चय ही अगला सेंसस जब 2021 में आएगा
तब उसमें सुधार हो सकेगा, क्योंकि सेंसस ही एकमात्र हमारे आंकड़ा इकट्ठा करने का साधन है और सेंसस 10 साल में एक बार होती है। जी अवस्थी जी, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है सीसीपीडी की पोस्ट को लेके। कई लोग अपनी मैगजीन्स में लिख रहे हैं, कई लोग न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे, क्या चल रहा है और कब तक ये पोस्ट फिल हो जाएगी? जो सीसीपीडी की पोस्ट है उसका सिलेक्शन प्रोसेस ऑन है, मुझे ये मैं ये कह सकता हूँ कि शीघ्र ही उस पोस्ट को भरने की कार्रवाई होगी, ऐसा मेरे ऐसा संभावना है। पद को भरने की कार्रवाई चल रही है और मेरे ख्याल से पद को जल्दी भरकर फुल टाइम सीसीपीडी अपॉइंट करने की कार्रवाई हो जानी चाहिए। सर ये बताएं कि आपको विकलांगता डिपार्टमेंट में काम करते समय जब विकलांग लोगों के साथ काम करते कोई चैलेंजेस आते हैं, जहां आपको लगता है कि डिसेबल कम्युनिटी को भी कोऑपरेट करना चाहिए, कुछ ऐसी बातें जहां आपको चैलेंजेस आते हैं बहुत ज्यादा? देखिए हमें तो डिसेबल कम्युनिटी के बीच में पीडब्ल्यूडीज यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज विकलांगजनों के बीच में काम करने में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारी जो छोटी बड़ी कठिनाइयां हैं उसको हम लोग दूर कर रहे हैं और इन कठिनाइयों को पहले उतना निकटस्थ रूप से देखा नहीं गया क्योंकि एक अलग विभाग नहीं था और अलग कमिटेड लोग नहीं थे। हमारा चैलेंज ये है केंद्र सरकार में कि हर राज्य में जब हम इंस्ट्रक्शन भेजते हैं तो उसको राज्य सरकार के माध्यम से जिले स्तर तक उनका अनुपालन हो। हम लोग अभी एक प्रयास कर रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में विकलांगजन विभाग अलग है, हर जिले स्तर पर विकलांग कल्याण अधिकारी हैं, उसी तरह से अन्य प्रदेशों में भी अगर व्यवस्था हो जाएगी तो ये जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है इम्प्लीमेंटेशन का, वो दूर हो सकेगा। हमारे लिए अगर कोई कठिनाई अगर है तो वो यह है कि जब हम प्रदेश या जनपद स्तर पर आगे ले जाते हैं तो चूंकि समाज कल्याण एक बहुत बड़ा सेक्टर है तो विकलांगजन के लिए जो कार्य करने के लिए अलग से अगर व्यवस्था हो जाएगी तो निश्चय ही इम्प्लीमेंटेशन में सुधार होगा। जी मैं ये भी बता दूं लिसनर्स को कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने एक फिल्म भी लॉन्च किया है, डॉक्यूमेंट्री एक कहानी माँ की जुबानी, जिसको काफी पसंद किया जा रहा है, तो उसमें भी अवस्थी साहब का काफी कंट्रीब्यूशन था। अवस्थी साहब जैसे आपने बताया आप गांव में जाते हैं लोगों को, दानिश एक मिनट में आपसे बताना चाहूंगा, ये फिल्म जो है ये जेएल कॉल साहब की संस्था और कॉल साहब के मार्गदर्शन में बनी है और एनआईवीएच ने अभी माननीय मंत्री जी के हाथों इसको जो है लॉन्च किया है, तो मैं इसको रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा कि कॉल साहब और उनके सभी लोगों ने इसमें काफी सहयोग दिया है और वो भी बधाई के पात्र है। ये भी मैं थोड़ा सा बताना जरूर चाहूंगा कि हमारा एक नेशनल फिल्म फेस्टिवल, पहला फिल्म फेस्टिवल जो है वो बहुत जल्दी ही 1 और 3 दिसंबर के बीच में दिल्ली में सिरी फोर्ट में हो रहा है, तो यदि कोई भी छात्र या भी यदि कोई भी व्यक्ति इस फिल्म फेस्टिवल में पार्ट लेना चाहता है तो वो जो है आ सकता है, निःशुल्क यहाँ व्यवस्था है और उसके लिए जो है हमारी जो वेबसाइट है उसमें जाकर उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि इस फिल्म फेस्टिवल में कैसे पार्ट लिया जा सकता है। जी अवस्थी साहब मैं पूछा था जैसे आपने पहले जिक्र किया आप गांव में जाते हैं, कई लोगों का माइंडसेट है कि आप ऐसा करें, माइंडसेट है कि आप विकलांगता को नहीं करना चाहते, लोगों को नहीं बताना चाहते अपने बच्चे विकलांग हैं, एक तरफ तो ये इशू है और दूसरी तरफ एक ऐसा भी इशू आता है कि बहुत जगह पे फेक मेडिकल सर्टिफिकेट बना के लोग जॉब का या अलग लाभ ले रहे हैं, तो इन दोनों परिस्थितियों में कैसा देखते हैं आप? देखिए इसमें जब तक कि इसका पूरा जो आपने पहले शुरुआत में कहा कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसी के लिए हम एक पूरे देश में यूनिवर्सल आईडी की व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें सही लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन हो सके, उनको पूरा लाभ सब तरफ हर विभाग में हर प्रदेश में मिल सके और फिर गलत लोग अगर हैं तो उनको हम लोग जो है स्क्रीन आउट कर सके जिससे कि गलत व्यक्तियों को विकलांगजनों को मिलने वाले लाभ का जो है गलत फायदा ना मिल सके। तो ये यूनिवर्सल आईडी जो है संभवतः मार्च तक 2016 तक हम लोग इसको लॉन्च करेंगे और यही विकल्प है कि यूनिवर्सल आईडी जब बनेगा तो विकलांगजनों के बारे में हर व्यक्ति के बारे में उनकी शैक्षिक योग्यता, उनके एम्प्लॉयमेंट स्किल्स और बाकी सब चीजें जो उनके माध्यम से ही प्राप्त होंगी वो हम लोग एक जगह लाएंगे और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी सही रूप से इशू करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जी सर आपके पास समय की कमी है मैं जानता हूँ, सिर्फ 2 सवाल छोटे छोटे आपसे जानना चाहूंगा। एक सवाल सर ये है कि सीसीपीडी द्वारा जो स्क्राइब गाइडलाइंस आई हैं उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मानती हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटी अभी भी नहीं मानती हैं,
तो क्या कुछ उस पे भी स्टेप लिए जा रहे हैं? और दूसरा सवाल ये रहे जी, अगर पहले आप, कहीं भी कोई भी गाइडलाइन जो भारत सरकार का है, जिसको सीसीपीडी ने लागू कराया है, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो मैं कहना ये चाहूंगा कि जो हमारे छात्र हैं वो हमें ईमेल के माध्यम से भेज दे। लेकिन समस्या थोड़ी सी ये आती है कि जब एग्जाम का एक दिन बाकी होता है तभी लोग उसको तुरंत बताते हैं, या एग्जाम के दिन बताते हैं कि यह कठिनाई है। लोग पहले से 15 दिन पहले अगर हमें इन्फॉर्म करेंगे तो हम संबंधित यूनिवर्सिटी से चर्चा करके उनको निर्देश देकर समस्या का समाधान ससमय निकाल सकेंगे, ये हम जरूर आपको आश्वस्त करते हैं। सर लास्ट सवाल ये है, जैसे एक्सेसिबल कैंपेन है, इसमें एक्सेसिबल कैंपेन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, रोड भी आते हैं, बहुत सारी वेबसाइट एक्सेसिबल, तो इंडिया जैसे एक विविध एक डाइवर्सिटी की कंट्री है, तो इतने बड़े स्केल पर रोड्स को एक्सेसिबल बनाना, तो इसको कैसे मतलब पूरा किया जाएगा और कितने साल की कुछ अल्टीमेटम है इसके लिए? जी देखिए, एक्सेसिबल कैंपेन तो फिलहाल हम लोग 2019 तक का फर्स्ट फेज जो है लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन हम दो चीजें बता दें आपको कि पहले बात तो ये इंश्योर करना होगा कि जो नई चीजें बने, नई सड़कें बने, नई बिल्डिंग्स बने, नए जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम बने, वो एक्सेसिबल बने, तो कम से कम ये सुधार तो हो जाना चाहिए। जो पहले से एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, बाकी व्यवस्थाएं हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन मुख्य बिंदु तो यह है कि पहले तो अवेयरनेस जनरेट हो, फिर नियम कानूनों में व्यवस्था हो, फिर नई जो व्यवस्थाएं बन रही हो उसमें एक्सेसिबिलिटी की मतलब व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें प्रोविजंस होने चाहिए। तो शुरुआत तो कभी ना कभी करनी होगी। इस कार्यक्रम का जो है शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी 3 दिसंबर को करने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक वेलकम स्टेप हम लोग की तरफ से, हमारे विभाग की ओर से होगा। निश्चय ही सभी विभाग इसमें जुड़ेंगे, सब नेशनल गवर्नमेंट में यानी केंद्र सरकार के सभी विभाग और प्रदेश सरकार के माध्यम से भी हो रहा है। इसमें कई प्रदेश सरकारों ने बहुत पॉजिटिव दिखाया है। पहले चरण में 50 शहरों में लगभग 100 सरकारी बिल्डिंग्स को हम लोगों का लक्ष्य है कि उनको हम एक्सेसिबल करें। एक बार जब ये अभियान के रूप में चालू होगा तो निश्चय ही इसका फर्क सबको देखने को मिलेगा। सर आरपीडी बिल के ऊपर आप कमेंट करेंगे कुछ, कैसे देखते हैं जो नया आरपीडी बिल है और कब तक आपको लगता है कि पास हो जाएगा? जी देखिए, आरपीडी बिल करीब करीब तैयार हो गया है। मुझे लगता है कि हम लोग, कोशिश हमारी यही है कि इस सेशन में जो है जो अमेंडमेंट्स हम लोगों ने प्रपोज किए हैं वो इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं, पार्लियामेंट में हम लोगों को ले जाने का काम है, हम लोग उसको ससमय इंश्योर कर लेंगे। जी अवस्थी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप रेडियो उड़ान पर आए, अपना कीमती समय दिया, और उम्मीद है कि भविष्य में आपसे बात करते रहेंगे। दानिश थैंक यू टू यू एज वेल एज सब लिसनर्स को, और हम चाहेंगे कि हमारा विभाग जो है और मजबूती से विकलांगजनों के बीच काम कर सके। कहीं कोई कमी हो या कहीं कोई कठिनाई हो तो जरूर हमें भेजें, जिससे कि हम उन व्यवस्थाओं को और बेहतर कर सके। जी बिल्कुल सर, और हम आप चाहते हैं कि अगर रेडियो उड़ान आपके मुहिम में जुट सकता है, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपका सहयोग चाहेंगे। थैंक यू सो मच। रेडियो उड़ान जुड़ चुका है, आज की चर्चा के बाद जुड़ ही चुका है, तो आप जुड़े हैं और जुड़े भी रहेंगे। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच सर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे अवस्थी जी, जो कि अपनी नेचर के कारण बहुत सारे लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे, और साथ ही साथ अवस्थी जी का काम आप सभी के सामने है, और आज की इंटरव्यू में इन्होंने कई बातें क्लियर की, और थैंक यू सो मच आपके क्वेश्चंस के लिए और सुनने के लिए। आप अपना फीडबैक हमें जरूर दे सकते हैं www.radioudan.com पर। थैंक यू सो मच ऑल।